अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर, फुर्के न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये खबर। और जिसमें गाड़ी ना खोलो, वो पूरा झूठे गाड़ी है, पूरा बेकार कचरा है, वो स्क्रैप में डालने का कचरा है। अप्रेलो और विस्पा स्क्रैप में डालने का कचरा है। वो गाड़ियाँ कोई भी ना खोलो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ना खोलो ये गाड़ी। मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आप लोग भी नक्को पास हो, अप्रेलो और विस्पा गाड़ी कोई भी नक्को लो, और शोरूम को सीज करना चाहिए। आप कब से बैठे हो? हम 3 दिन से काना नहीं है भैया, शोरूम के पीछे फिर रहे भैया हम लोग। हाँ, आपको क्या मैसेज मिला शोरूम की तरफ से? मेरे को शोरूम के साथ से ये मतलब मिला, हम लोग सिर्फ चीटिंग करने बैठे वहाँ पर, उन लोग ओनली सीटिंग करने को बैठे वहाँ पर। वो तो मेरे को नहीं मालूम, ये सेलिब्रिटीज का अच्छा खासा पूजा होता है इंडिया में। हाँ। सेलिब्रिटीज करने का यही काम है। सेलिब्रिटी क्या चोरियां करते फिरता क्या? हाँ वही करते, वो शर्वानंद आई करते उसका भाई। हाँ। उन्होंने एक सेलिब्रिटी आई करते। हाँ। और उनसे क्या क्या कि अच्छा पैसे वाले कहते उन्होंने, और उसके वजह से हमारे को ऊपर पत्थर मार दे, उसको पुल दे दे, लोगों के पैसे लूटता भी सेलिब्रिटी भी हो। हाँ अच्छा, इंडिया में सेलिब्रिटी उनका यही काम है। परसों देखा अपन ड्रग्स का धंधों में, अभी देखा अपन ऐसे चीटिंगों में। चेक जो है अपने कने है के, ये चेक लेके गए तो फोर्जरी केस होता। ये चेक ओरिजिनल है क्या है कि ये भी डाउट है मेरे को? ये खाली देख के बताने का है, डमी चेक है ये तो। आज देने आया भाई, कल्याण के ऊपर तो नहीं लिए, ये कौन की रमेश है कहते, कौन है भी नहीं मालूम। वो बाइट आता वहाँ बैठ के इनो उनो मिल के पूरा उनको अवले बना दे, MD और बच्चा मिल के। शिया है, हम लोग किस्मतपुर कने रहते, हम लोग यहाँ पर वेस्पा शोरूम को आए, बंजारा हिल्स का मासम टैंक कने आए, गाड़ी देखने अप्रैल ला 1,28,000 की गाड़ी लिए हम लोग, कैश दे के लिए पूरा। 5 डेज के बाद हम लोग वापस कर दिए इन लोगों को गाड़ी, हमारे गाड़ी नको पैसे दे दो बोल के। इन लोग पैसे गाड़ी में ट्रबल था वो, इसलिए वापस कर दिए थे। हम लोग पैसे चाह रहे, इन लोग पैसे नहीं दे रहे हम लोगों को। 29 सितंबर का टाइम दिए थे हम लोगों को, 29 के बाद हम लोग कॉल भी करे तो लोग रिस्पॉन्स नहीं दिए हम लोगों को। उसके बाद हम लोग 8 दिन के बाद फिर एक टाइम दिए इन लोग हमारे को, फिर हम लोग लेकर आए, फिर ये लेटर भी दिए हम लोगों को। ये है ये लेटर, 28/9 के दिन आके हमारे कन से कैश ले लेकर जाओ बोल के बोले, फिर भी कैश नहीं दिए हम लोगों को, अभी भी नहीं दे रहे। ये चेक भी दिए हमारे को, नहीं दे रहे। इतनी फ्रॉड कंपनी है ये, बिल्कुल बहुत फ्रॉड है, यहाँ के लोग भी फ्रॉड है। MD के ऊपर भी एक्शन नहीं ले रहे, पुलिस वाले एक्शन भी नहीं ले रहे। हम लोग कंप्लेंट उनके ऊपर करना चाह रहे तो भी उन्होंने भी नहीं वो नहीं कर रहे। प्लीज़ तेलंगाना से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कैसा भी करके पैसे दिलवा दीजिए, जितने भी लोग हैं इन लोगों को सबको दीजिए पैसे, जितनों का भी गया हुआ है, फ्रॉड पन हो रहा, लोग कर रहे। ये कंपनी ऐसे फ्रॉड के जितने भी है उतने बंद करा दीजिए, जितने ऐसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन लोगों को सजा दीजिए। आपके साथ और कुछ भी और लोगों को और लोग है हमारे साथ जो है, अभी एक जने बोल के गए उन्होंने है, और बाकी के बहुत लोग है, उन लोगों को भी जितना भी है उन लोगों के सबके लिए प्लीज़। अब तो हम लोग तो MD के ऊपर करना चाह रहे, पर पुलिस वाले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उनके ऊपर नहीं करते बोल रहे कंप्लेंट, रमेश के ऊपर करो बोल रहे। रमेश से यहाँ तो हमको कुछ भी वास्ता नहीं है, मैं तो प्रमित को दी थी, मैनेजर को दी थी कैश मेरा, मैनेजर भी वो नहीं हो रहे, मैनेजर भी नहीं वो कर रहे। अब प्रमित भी कुछ भी नहीं बोल रहे, MD भी कुछ भी नहीं, प्रमित मैनेजर है वहाँ के, मैनेजर भी कुछ भी वो नहीं कर सक रहे देने के लिए, ना कुछ बोल रहे, खाली सिर्फ टाइम दो बोल रहे। टाइम कब तक देंगे बोलो? अगस्त 26 को गाड़ी लिए हुए हम लोग, मैं भी इंटरेस्ट से पैसे लेकर आके गाड़ी ली, मैं ये भी मेरा भी महीना महीना इंटरेस्ट चले जा रहा, खाली इंटरेस्ट में जा रही, मेरे के हाथ में पैसे भी नहीं आ रहे, मेरे पूरे पैसे आने का है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, तेलंगाना 1,28,000 आने का है मेरे। हाँ कंप्लेंट करे, MD के ऊपर कंप्लेंट करे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, पुलिस वाले नहीं लेते बोल रहे। रमेश पर कंप्लेंट करे, इम्प्लाई क्यों करो बोल के बोल रहे, रमेश को करो बोल रहे, रमेश ही चाहिए बोल के बोल रहे, पर रमेश को करना क्या चाहिए बोलो? MD तो है ना, मेन तो MD है, MD के ऊपर होना चाहिए। MD कुछ करेंगे तो हमारा पैसा हमको वापस लौटा देंगे, हमारा पैसा हमको होने का है, प्लीज़ हमारा पैसा हमको दे दीजिए। आप कहाँ पे रहते हैं? हम लोग किस्मतपुर पे रहते, मेरा नाम अर्शिया है।
बंजा हिल्स पे विस्पा गाड़ी लिए थे, तो उसमें पुराना गाड़ी दिया उन्होंने BS4 का, और पैसे पूरा दिए, TR नहीं करे। हम पैसे पूछ रहे तो उन्होंने MD बोल रहा काम वाला का लिए, काम वाला बोल रहा MD का लिए, दोनों मिला के गफला करके हमको पिरा दे। और ये पैसे 80,000 आने का है मेरे को कहने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पैसे तो भी आता, लॉकडाउन से पूरा नुकसान हो गया, वो पैसे आता बोल के मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक रुपये मेरे को नहीं आ रहा। पुलिस वाले बोल रहे उधर आओ इधर आओ, वो शोरूम में हंगामा नक्को करो, शोरूम का नहीं जाओ नक्को बोल के डरा रहे मेरे को। और ऊपर से क्या हुआ बोले तो लॉकडाउन के वजह से मैं पूरा लॉस हो गया, उसके वजह से मेरे कहने को नहीं है बोल के मैं पैसे पूछ रहा हूँ। मैं चलो दो दिन रुकेंगे बोल के भी नहीं है मेरे कहने हालत, अभी नहीं दिया तो सुसाइड करने का हालत है मेरा। मेरे को वहाँ घर वाले किराया पूछ रहा, यहाँ गया तो शॉप वाला किराया पूछ रहा। इन लोग क्या है कि कल परसों बोल के 10 दिन से फिरा रहे, 10 दिन से खाना नहीं खाया। लॉकडाउन से मैं बिल्कुल रोड पे आ गया। मैं लॉकडाउन के वजह से पुलिस वाले तो MD के ऊपर केस करो बोले तो नहीं कर रहे, उनको अंदर बिठा के अच्छा उनका ने उसका कहानियाँ सुन रहे, हमारे को रोड पे टहरा के तमाशा देख रहे पुलिस वाले। ये अभी मैं कल्याण के ऊपर करो बोले तो इन लोग को है कि कान से के एक अवला को ला के वो अवले के ऊपर FIR कर रहे हैं इन लोग। ये बिल्कुल झूठे FIR हैं, ये FIR से कुछ भी अपने को फायदा नहीं है। क्यों बोले तो रमेश रोड में फिरने वाला फकीर है, वो उसके ऊपर FIR करने से मेरे को कुछ भी नहीं आता है। गफला पूरा करा कल्याण है, वो कल्याण है उसका कल्याण है, उन्होंने सेलिब्रिटी आए कहते हैं, उसका भाई सेलिब्रिटी आए कहते हैं, उसको पॉलिटिकल पावर आए कहते हैं, ये लोगों का पैसे खाने का आदत है कहते हैं इसको। ये पॉलिटिकल पावर से और ये सेलिब्रिटीज़ के क्या करने वाला है, सेलिब्रिटीज़ का यही काम है क्या? कोई ड्रग्स का धंधा करते, कोई झूठे धंधा करता, यही काम करने को सेलिब्रिटी बना है। तुम लोग पूरे आवाम मिल के यही चूतिया काम करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बना है। तुम लोग ऐसे सेलिब्रिटी को पत्थर मारो, तू को सालों को। और कितने लोग फ्रॉड है इसमें, आप कितने लोगों को फंसे हुए, क्या क्या पैसे? हम लोग 30-40 लोगों का ने पैसे खा लिए नो, मेरे ख्याल से 30-40 भी नहीं, उससे भी बढ़ के होंगे। ये नज़दीक 50 लाख 1 करोड़ का फ्रॉड करे, ये पूरा MD करे। हुकूमत तेलंगाना का जाने से जाना चाह रहा, हमें एक इंसाफ चाहिए। शोरूम कहाँ पर है? ये बंजाल्स पे, बंजाजिल्स अश्वम मोटर्स अपोजिट बालाजी ग्रैंड सुपर मार्केट। आप कहाँ पे रहते? मैं मेहदीपट्टनम में रहता हूँ भैया, शेखर, इंदु शेखर। गाड़ी लिए विस्पा शोरूम में अर्शद ऑटोस, और उधर क्या हुआ बोले तो हम 5वां महीने में गाड़ी लिए तो BS4 लिए, BS4 लेके वो चला रहे तो उसको TR नहीं आ रहा, तो हम लोग फिरने का बाद उन्हें क्या बोला, गाड़ी दे दो वापस, आपके पैसे दे तुम बोले, कंपनी को दे दे तुम बोले, गाड़ी दे दिए। गाड़ी देने के बाद उन्हें क्या बोल रहा, एक 45 डेज हम लोगों को फिराए, फिराने के बाद फिर क्या, गाड़ी कहाँ है, पैसे कहाँ है बोले तो फिर गाड़ी हाथ में दे दिए, वो गाड़ी TR भी नहीं है, और गाड़ी लेके फिर लो बोल गए, फिर हमारे की गाड़ी नको हमारे पैसे दे दो बोल के उन लोगों को कुछ दे के फिर आए, तो उन्हें रमेश सामने आया, रमेश उसमें एज ए मैनेजर है, MD नहीं आ रहा सामने, MD के ऊपर केस डालेंगे बोले तो MD CA साहब बोले केस ऑलरेडी MD साहब मैनेजर के ऊपर करे, तो आप मैनेजर के ऊपर करे, आप लोग भी बयान दो, वो केस प्रोसेसिंग में चलता बोल के बोल रहे। नहीं साहब, मैं बोला CA साहब को, साहब नहीं साहब, मैं MD के साथ MD के ऊपर कल्याण चक्रवर्ती नाम है MD का, MD के ऊपर मैं कंप्लेंट देने चाह रहा हूँ साहब बोल के मैं CA साहब से बोला। CA साहब क्या बोले, ऑलरेडी MD उसके मैनेजर रमेश के ऊपर केस करे, तुम भी वही फाइल में केस करो बोल के बोले, ठीक है बोल के हम लोग बयान दे दिए, वो बयान पूरा लिखा के हम लोगों के FIR दिए, ये FIR के ऊपर कल्याण चक्रवर्ती के ऊपर कंप्लेंट नहीं है, खाली रमेश के ऊपर है। मैं चाह रहा हूँ कल्याण चक्रवर्ती के ऊपर केस होना मेरे, क्यों बोले तो मैं शोरूम में गाड़ी लिया, शोरूम किसका है, शोरूम किसका है, शोरूम किसका है, MD का है, ये रमेश एज ए एम्प्लॉय
एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय के ऊपर मैं कंप्लेंट कैसे दे दूँ।